संबद्ध करती हुई दिखाई पड़ रही थी और प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात की हिमायत करते हुए देखे गए कि जो तेलंगाना में जो विकास का रोड मैप है, जो खाता है, जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है, बुना है, वह कहीं ना कहीं फलीभूत तभी होगा जब 2024 में जब केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और उसके पहले अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार जो है, तेलंगाना जो भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गया है, विकास की पटरी से उतर गया है, उसको पटरी पर लाने का काम करेगा। और आपने परिवारवाद की बात की तो निश्चित तौर पर के चंद्रशेखर राव की बेटी जो के कविता है, वह भी चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए, लोगों से रूबरू होते हुए देखी जा रही हैं और कहीं ना कहीं बेटे बेटियों को हम कह सकते हैं कि सियासत में एक जगह दिलाना जो है वो केसीआर के लिए चुनौती हम कह सकते हैं। और कई राज्यों में आपने देखा है कि जो क्षत्रिय क्षत्रप है उनकी नैया जब भी डूबी है तो परिवार और भ्रष्टाचार इन्हीं दोनों वजहों से। आपने देखा बिहार और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, बंगाल के परिप्रेक्ष्य में विनोद जी जिक्र कर रहे थे अभिषेक बैनर्जी की, और यहाँ पर भी चंद्रशेखर राव जो है वो अपने परिवार के लोगों को कहीं ना कहीं तवज्जो देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और दक्षिण भारत के राज्यों की अगर बात करें तो दक्षिण भारत के राज्यों में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो क्षत्रिय क्षत्रप हैं, उनके परिवार का इतिहास बहुत पुराना रहा है। आपने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन टी रामा राव का असर देखा कि एन टी आर के जो दामाद थे चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने कैसे सत्ता उनसे छीन ली। आपने जगनमोहन रेड्डी को देखा जो राजशेखर रेड्डी के बेटे थे। इसके पहले अगर तमिलनाडु की बात करें तो करुणा निधि के पूरे परिवार का इतिहास आपने देखा है। स्टालिन जो है वो तमिलनाडु की कुर्सी पर आसीन है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं चंद्रशेखर की दक्षिण भारत के राज्यों में जो बीमारी उत्तर भारत में दिखाई पड़ती थी वो दक्षिण भारत के राज्यों में पहले से व्याप्त है। और दक्षिण भारत के राज्यों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार क्षेत्रीय पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और इस चुनाव में यह देखा भी जा रहा है। आज ही उन्होंने जब करीम नगर में जब सभा को संबोधित किया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख किया कि अगर केसीआर को हराना है तो कांग्रेस